Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge Ka video Yes, today's video is very special. Today we shall learn the exact pronunciation of the words and along with we will also learn how to translate English into Hindi. so please watch this video till end and if you are new to my channel please subscribe to it and to press the bell icon to get regular updates तो आज का जो topic है cut your coat according to your cloth तो यहाँ पर हमलोग क्या सीखेंगे according ऐसे नहीं पढ़ना है according आसे शुरू करना है according to your cloth नहीं पढ़ना है cloth एवरी मैन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज मिन्ंच एंड कैपैसिटी इसे क्या पढ़ना है मैन एम ए एन जब रहता है मैन और एम ई एन जब रहता है प्लूरल नंबर में तो उसे पढ़ते हैं मैन यहाँ पर क्या है मैन एवरी मैन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज मिन्स ज को थोड़ा लाना है मींस एंड कैपेसिटी इसे कैपेसिटी नहीं पढ़ना है कैपेसिटी गोज बियॉन्ड द लिमिट्स इसे क्या पढ़ना है बियॉन्ड नहीं पढ़ना बियॉन्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ही इज श्अर टू लैंड इन ट्रेबल इसे श्यूर श्योर नहीं पढ़ना है श्यूर ही इज श्वर टू लेंड हीट इज द साइज और लेंथ ऑफ क्लॉथ द डिसाइड्स द साइज ऑफ आवर कोट इसे आवर ऐसे नहीं पढ़ना आवर थोड़ा शोट में लेना है आवर अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ के नॉट गिव अस अ लॉन्ग कोट इसे लॉन्ग नहीं पढ़ना है लॉन्ग नाक से थोड़ा उच्चारण करना है लॉन्ग ग का पूरा उच्चारण नहीं करना है लॉन्ग डैट इज आवर मीन्स डिसाइड आवर एंड्स थोड़ा सा ज का उच्चारण लाना है इसमें भी और इसमें भी मीन्स डिसाइड आवर एंड्स आ और ए में भी हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो ज़्यादातर आ ही पढ़ा जाता है और जब लगे कि ए ही सटीक बैठ रहा है तो ए भी पढ़ना चाहिए अ मैन मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज लिमिटेशंस वाइल डूइंग समथिंग इफ वी लूज इसे क्या पढ़ते हैं लूज इफ वी लूज साइट ऑफ देम वी कैन नॉट अचीव एनी थिंग अचीव या अचीव तो इसे अचीव पढ़ना है अचीव एनी थिंग वाइज मैन ऑल्सो फिक्स हिज एम इन अकॉर्डेंस विद द मीन्स ही हैज सो दिस प्रोवर्व टीचेस अस अ लेसन We must cut our coat according to our cloth. एक बार फास्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एक अलग सी फ्लुएंसी खुद ब खुद आने लगती है और हम लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं होता है Every man must act according to his means and capacity. If he goes beyond the limits, he is sure to land himself in trouble. It is the size or length of cloth that decides the size of our coat. A small piece of cloth cannot give us a long coat. That is our means decide our ends. A man must be aware of his limitations while doing something. If we lose sight of them, we cannot achieve anything. A wise man also fixes his aim in accordance with the means he has. So this proverb teaches us a lesson. We must cut our coat according to our cloth. उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का अच्छा लगा होगा और आप लोग भी लगातार प्रयास करके इस तरह से पढ़ सकते हैं। और मुझसे अच्छा भी पढ़ सकते हैं तो इसे एक बार हम लोग हिंदी में भी समझ लेते हैं एवरी मैन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स एंड कैपेसिटी प्रत्येक आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार कैपेसिटी के अनुसार उसके पास जो मिन्स है जो साधन है उसके अनुसार ही काम करना चाहिए इफ़ ही गोज़ बियॉन्ड द लिमिट्स यदि वह अपने लिमिट को पार कर जाता है ही इज़ सुअर टू लैंड हिम सेल्फ इन ट्रेवल तो वह खुद को परेशानी में डाल लेगा तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने सीखा कि लैंड समूह इन ट्रबल यानी किसी को परेशानी में डालना या पड़ जाना इट इज़ द साइज और लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट डिसाइड्स द साइज ऑफ आवर कोट और यह कपड़े की लंबाई या उसका साइज ही कोट की साइज को निर्धारित करता है डिसाइड करता है अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ के नॉट गिव अस अ लॉन्ग कोट और एक छोटा सा कपड़ा का पीस या टुकड़ा एक लंबा कोट नहीं दे सकता है दैट इज आवर मीन्स डिसाइड आवर एंड्स अर्थात या दैट इज़ का मतलब हुआ अर्थात हमारे पास जो साधन है वही हमारे एंड्स को भी डिसाइड करता है अ मैन मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज लिमिटेशंस वाइल डूइंग समथिंग कोई भी काम करते समय एक इंसान को ज़रूर उसके लिमिटेशंस के बारे में अवेयर होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए इफ़ वी लूज साइट ऑफ देम तो यहाँ पर एक ये फ्रेजल वर्ब है लूज साइट ऑफ का मतलब होता है इग्नोर कर देना इफ़ वी लूज साइट ऑफ देम यदि हम इग्नोर करते हैं वी कैन नॉट अचीव एनी थिंग तो हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं अ वाइज मैन ऑल्सो फिक्सेज हिज एम इन अकोर्डेंस विद द मीन्स ही हैज और एक चालाक आदमी बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास जो साधन है उसी के अनुसार अपना लक्ष्य सेट करते हैं फिक्स करते हैं सो दिस प्रोवर्ब टीचेस अस लेसन इस तरह से यह प्रोवर्ब हमें एक लेसन सिखाता है वी मस्ट कट आवर कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लोथ जितना कपड़ा हमारे पास है उसी अनुसार हमें अपने कोट के कपड़े को भी काटना चाहिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा